अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मालूम है कि हमारा एफएससी पार्ट टू का सिलेबस चल रहा है मैथमेटिक्स, और चैप्टर नंबर टू डिफरेंशिएशन पे हम काम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 2.10 हमने डिस्कस कर ली थी लेक्चर नंबर 42 तक। ये लेक्चर हमारा नंबर 43 है, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जाना है। लेक्चर नंबर 42 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 2.10 के डिस्कस किए थे। तो अब हमने चलना है जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। इसमें एक दो क्वेश्चंस सिमिलर आएंगे, तो जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने करने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाए। तो बच्चों लेक्चर शुरू करते हैं, और लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें जो हमारी आपस में शेयरिंग होती है, ये असल में नए स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे, जो नए फेलोज़ होते हैं उनके लिए बात की जा रही होती है। जो पुराने हैं डेफिनेटली उनको सारा कुछ पता है, वो तो उनकी तो आदत का हिस्सा बन चुका। तो बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि जो वीडियो क्वालिटी है ना अपनी ज़रूर एडजस्ट कीजिए, मिनिमम 360 पॉइंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद मोबाइल की ब्राइटनेस आप बढ़ा देंगे तो फिर आपको वाइट बोर्ड कुछ क्लियर दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नेट पैकेज अच्छा है तो बच्चों दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको 480 पर या 720 पर लेक्चर को देखिए, इंशाल्लाह आपको वाइट बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो बच्चों शुरू करने से पहले आपको पता है कि एक रिक्वेस्ट होती है सब्सक्रिप्शन की, तो वो हर लेक्चर में तो करना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग ख़ुद मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, और बेल की नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो हैं वो ऑन कर देनी है, ताकि आपको मेरे अगले जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोज़ भी मौसूल होती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास देखिए हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 से इस लेक्चर को हम शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.10 है, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पैरामीटर 120 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो पी हमें क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ एक्स फर्ज कर लेते हैं, और हमारे पास रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या हम फर्ज कर लेते हैं, वाई फर्ज कर लेते हैं। तो बच्चों जब पैरामीटर पी होता है एक्चुअली वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होती है। तो अब पी की कीमत तो हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू हासिल कर लेते हैं 60 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इट्स नॉट आवर फंक्शन, ये जस्ट एक गिवन इंफॉर्मेशन है जिसको हमने क्या किया है, यूटिलाइज किया है, ये फंक्शन नहीं है। अब हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x जिसको हम कहते हैं वो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, और रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है कि लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो आपने यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ करनी है, यानी x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से आगे आपने लिखना है जी f ऑफ x इज इक्वल टू y की कीमत यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा x इंटू 60 माइनस एक्स। अब ये असल में हमारा f ऑफ x बना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी f ऑफ x इज इक्वल टू, सो दिस इज 60x माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो f ऑफ x डैश इज इक्वल टू 60x का डेरिवेटिव 60 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। आपने करना है पुट f ऑफ x डैश इक्वल टू 0, तो लिहाजा ये बनेगा 60 माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 60, और x की वैल्यू हो गई है 30। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि x की अगर सिंगल वैल्यू आए तो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मकसद फौत हो जाता है, मतलब हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। हमें पता होता है कि x की सिंगल वैल्यू है तो फंक्शन डेफिनेटली जो भी एरिया या पैरामीटर है वो इसी पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जो भी वो कह रहा है वो इसी पर होगा।
तो लिहाजा अब हमारे पास बच्चों लेंथ तो हो जाएगी एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी लेंथ हमारे पास क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 30 है, और विड्थ किसके इक्वल है, विड्थ है जी हमारे पास वाई, और वाई की कीमत क्या है, एक्चुअली वाई इक्वल है 60 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 60 माइनस 30 एंड आंसर इज 30। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर कि हमारे पास उस रेक्टेंगल का जो लेंथ और वेथ है वो कितनी होनी चाहिए जी 30 होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाती है बात क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल rectangle having area 36 centimeter when its parameter is minimum। तो बच्चों पहले आपको पैरामीटर दिया हुआ था, एरिया मैक्सिमम करना था, अब आपको एरिया दिया हुआ है और पैरामीटर को मिनिमम करना है। बात यही है, थोड़ा सा 19-20 करना है आपने, रिवर्स करना है। तो यहाँ पे मैं देखें लिखता हूँ जी मेरे पास रेक्टेंगल की जो एरिया गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेंथ हमारे पास क्या होगी रेक्टेंगल की, लेंथ होगी एक्स, और विड्थ क्या होगी, विड्थ होगी वाई के इक्वल। तो अब जाहिरी बात है हमें पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब एक्स वाई इज इक्वल टू ए की कीमत क्या दी हुई है 36, यहाँ से आपने y हासिल कर लेना है, y की कीमत हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाय x। अब आपने पैरामीटर को क्या शो करना है, मिनिमम शो करना है। तो बच्चों अब हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो है पैरामीटर, और पैरामीटर आपको पता है यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ होती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम करते हैं जी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं 36 बाय x, और f ऑफ x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 72 बाय x, सॉरी यहाँ पे मैं मिस कर गया, 2x होना चाहिए था बच्चों। चलें अब ये फंक्शन जनरेट हो गया, अब मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर x स्क्वेयर। तो लिहाजा मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, यानी x की पावर ऊपर ले जाएंगे, x की पावर माइनस 1 करके फिर वो डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस, वो सारा अब आपको पता है, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आपको आना चाहिए। तो बच्चों अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने करना है जी पुट एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 माइनस 72 बाय एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, और अब आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 0, यानी पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से आगे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36, सो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन चूंकि हमने x को लेंथ कहा हुआ है तो लिहाजा नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास x एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 6 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब फिर वही बात, x की सिंगल वैल्यू हासिल हुई है तो इसका मतलब अब इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, तो पैरामीटर इसी पर मिनिमम होगा। तो अब यहाँ पर आप लिखना है जी लेंथ हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू 6, और विड्थ क्या होगी, विड्थ होगी हमारे पास y इज इक्वल टू 36 बाय x है, तो ये लिखा जाएगा 36 बाय 6 एंड आंसर इज 6। तो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है
A box with a square base and open top is to have a volume 4 cubic decimeter. तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है. अब वो इन्फॉर्मेशंस क्या हैं? पहली इन्फॉर्मेशन है कि उसका जो वॉल्यूम है V, वो क्या है? 4 क्यूबिक डेसीमीटर है. अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है कि सो बेस उस बॉक्स का जो टॉप है वो ओपन है और आपने उसके लिए क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. आपने बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी है कि क्या होगी. Which will requires the least material, जिसमें material कम से कम हमें क्या हो? Required हो. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर उसने जब हमें कहा है कि box का base square है, तो इसका मतलब है base के अंदर length और width आती है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि length हमारे पास क्या होती है? X, और width भी क्या हो जाएगी? X हो जाएगी. तो इसका मतलब है base जो है वो square हो गई, base की length और width same हो गई. अब ज़ाहरी बात है बेस की जो हाइट होगी वो डिफरेंट, मतलब क्यूब की जो हाइट होगी या बॉक्स की जो हाइट होगी वो कुछ और होगी. तो हम उस हाइट को एच फर्ज कर लेते हैं, हाइट को एच फर्ज कर लेते हैं. तो तीन चीज़ें हो गई. अब मुझे पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जी हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट. तो ये हो जाएगा लेंथ, विड्थ और हाइट. तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बन जाएगा x square h is equal to v, और v की कीमत हमें मालूम है कितनी है? 4 है. यहाँ से ना हम h की कीमत कैलकुलेट कर लेते हैं. h बराबर होगा x 4 by x square के. इसके बाद हमें क्या कहते हैं? कहते हैं जी find the dimension of the box which will require the least material, कि उस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो कम से कम चाहिए, कम से कम रिक्वायर्ड होना चाहिए. तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया लिखेंगे. अब सरफेस एरिया क्या होता है? जितनी बॉक्स की साइड्स होती हैं उन साइड्स का एरिया लिख देंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स की बेस होगी उसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद जो साइड होगी उसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट. अब चूंकि इस तरह की हमारे पास 4 साइड्स होंगी तो लिहाजा इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई. तो अब ये सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच के. तो अब आपने क्या करना है? एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है 4 बाय एक्स स्क्वायर. सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स हो जाएगा. अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 16 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसके बाद आपने करना है जी पुट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड 2x क्यूब इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. x क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा. तो बच्चों अब यहाँ से आगे हम इसको कुछ इस अंदाज में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब. अगर बोथ साइड्स को कंपेयर करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है. लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसके आंसर 2 नहीं बनता, इसके दो रूट्स और भी आते हैं. और वो रूट्स क्या होते हैं? वो रूट्स होते हैं हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं. तो लिहाजा उनको हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं. अब ये सारी बात मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कुछ दोस्त देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसके तो रूट्स 3 आने चाहिए थे और सर ने एक निकाल के मतलब काम गलत कर दिया. तो भाई गलत नहीं किया, ये जस्ट मैंने कंपेयर कर ली. एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 रूट्स आने चाहिए जिनमें से एक रूट रियल होगा और बाकी के दो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे. और लेंथ चूँकि इमेजिनरी नहीं होती इसलिए वो रूट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? नेगलेक्ट करने पड़ेंगे. तो लिहाजा मैं उस तरफ गया ही नहीं, मैंने वो वैल्यूज़ कैलकुलेट ही नहीं की.
तो अब यहाँ से आगे x की वैल्यू कितनी हो गई जी हमारे पास 2। ज़ाहिर सी बात है x की सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया इसी पर क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि लीस्ट मटेरियल रिक्वायर की बात हुई थी, तो लीस्ट मटेरियल का मतलब होता है कि मिनिमम करना है आपने फंक्शन को। तो अब यहाँ पर हमारे पास उस बॉक्स की जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए जी x, वो है 2, और विड्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए जी x, वो भी 2 है, और फिर हाइट क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पास h, और h की कीमत हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है 4/x2, सो 4/2² करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ और विड्थ 2 हो और हाइट 1 हो, उसमें 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा, और उसको बनाने में मटेरियल भी हमारा कम से कम इस्तेमाल होगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। बस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पैरामीटर 120 दिया हुआ है और यहाँ पे पैरामीटर जो है वो 80 दिया हुआ है, तो इसलिए चूँकि सिमिलर है वो आप लोगों ने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस वॉल्यूम यहाँ पे 4 क्यूबिक डेसीमीटर दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्यू एक क्वांटिटी दी हुई है, वो हमने उसको फर्ज कर लेना है, उसको बेस बना लेना है। बाकी प्रोसीजर सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 9 में 7 वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें जाहिर सी बात है डायग्राम है, स्टेटमेंट प्लस डायग्राम है, तो डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको पता है पेपर में नहीं दिया जा रहा होता है, स्टेटमेंट नहीं दी जा रही होती, तो डायग्राम तो फिर बहुत दूर की बात है, तो लिहाजा ये भी इतना कोई नेसेसरी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज़ कही गई है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कर्व पर ना एक पॉइंट मालूम करना है, और कर्व आपको दी हुई है y = x²-1। कर्व पर एक पॉइंट मालूम करना है दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3-1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जी लेट पी ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट which is closest to A, A पॉइंट में किसको कह रहा हूँ, जो पॉइंट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर उस पॉइंट को मैं A फर्ज कर रहा हूँ। तो बच्चों अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि एक पॉइंट P of x y मैंने फ़र्ज कर लिया जो A के क्या है करीब तरीन है, और ये पॉइंट इस कर्व पर भी मौजूद है, यानी ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ इतना काम करना है कि ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम शो करना है, यानी हम ये कहते हैं कि ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एल से डिनोट कर लेते हैं, और एल को हमने क्या करना है, मिनिमम करना है, सिंपल सी बात है। तो एल इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए एंड पी होगा। तो ए और पी पर डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करोगे, टेंथ में भी आपने यूज़ किया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, और चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में भी पहले पेज पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता है कि इसका फार्मूला कैसे लिया जाता है, दोनों एक्स का डिफरेंस लेते हैं x-3² प्लस दोनों वाई का डिफरेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं y-1² अब यहाँ से आगे हो जाएगा L इज़ इक्वल टू अंडर रूट x-3² प्लस, बच्चों यहाँ पर ये ज़रा तवज्जो तलब बात है कि यहाँ पर ये जो y दिया हुआ है, इस y की कीमत भी देखें हमें गिवन है कि नहीं है, इस y की कीमत हमें गिवन है x²-1 की सूरत में, तो मैंने y की जगह पे उसकी कीमत दर्ज कर दी x²-1, और फिर ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस वन हो जाएंगे, होल का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों बस इस कर्व का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर होना था, इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है, बाकी सारा सिंपल क्वेश्चन है। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ से आगे एल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट
इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। तो अब बच्चों आपने अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है, और देखिए मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ डी एल ओवर डी एक्स, सो दिस इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा जी हमारे पास फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू अंडर रूट एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन के इक्वल। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा और डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने करना है जी डी एल ओवर डी एक्स को बच्चों ज़ीरो पुट करना है। तो जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू अंडर रूट एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। ये सारी वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी और बाकी बच जाएगा हमारे पास फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बच्चों ये आ गई है हमारे पास एक क्यूबिकल इक्वेशन। अब इस क्यूबिकल इक्वेशन के रूट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चे इस क्यूबिकल इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने का एक तरीका आपने नाइन्थ में सीखा था और एक तरीका जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में सिंथेटिक डिवीजन की सूरत में सीखा था। तो इसमें से जो तरीका आपको समझ आ जाए वो कर लें, बल हमें इसकी वैल्यू तलाश करनी है, यानी हमें एक्स की वो कीमत मालूम करनी है जिस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहली एक कीमत फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 को पुट करके देखते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जी 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये बात तय हो चुकी कि हमारे पास इस इक्वेशन का जो रूट है वो x इज़ इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ से हमने कहा जी हमारे पास, अच्छा इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ आप तलाश करेंगे ना, दूसरी वैल्यूज़ आपको मिलनी नहीं है क्योंकि इसके दूसरे रूट जो है ना वो इमेजिनरी आने हैं। तो इसका एक रूट जो है, सो x इज़ इक्वल टू 1 इज़ रियल रूट, अदर रूट्स आर, यहाँ पर मैं लाइन डाल के लिख रहा हूँ, अदर रूट्स आर इमेजिनरी सो नेगलेक्ट। तो उनको रूट्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू बच्चों क्या कैलकुलेट हुई, 1। तो x की एक ही वैल्यू हासिल हो गई 1। तो इसका मतलब है कि बाकी की वैल्यूज़ हमें नहीं तलाश करनी। अब चूँकि एक ही वैल्यू आई है तो अब हमें इस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव भी नहीं लेना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम की है कि दूसरा डेरिवेटिव लिया ही नहीं है। एक्सरसाइज में पूरी में एक्स की एक ही वैल्यू आती रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एल जो है, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं कि पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई इज क्लोजेस्ट टू ए ऑफ 3, -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, तो बच्चों अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो मुझे तो पॉइंट तलाश कर रहे हैं ना, एक्स और वाई दोनों निकालने। तो एक्स की कीमत तो 1 हो गई, तो वाई की कीमत कहाँ से हासिल होगी, यहाँ से जो कर्व हमें गिवन है। हम कहते हैं जी नाओ वाई इज इक्वल टू 1^-1, यानी एक्स की कीमत मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी। सो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हासिल हुआ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट इज पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम यही क्वेश्चन है, इसी स्टाइल पे होना है, इसी पैटर्न पे होना है। सिर्फ y की कीमत एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी और पॉइंट जो है वो 18, 1 हो जाएगा। बाकी तरीका कार जो है वो सेम है। इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद सॉल्व करें। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसमें भी हमारे पास जो रूट x का कैलकुलेट होगा वो 1 ही होगा। ज़रा देख लेते हैं जी इसको थोड़ा सा कि इसका दूसरा रूट क्या आना चाहिए।
ये मैं पीछे आंसर से गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका दूसरा रूट क्या होना चाहिए। नहीं जी, x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 2 आपने फिर चेक करना है 2 पर, तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है वो ख़ुद ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि ये आपसे हो जाएगा और ये एक्सरसाइज 2.10 आपको समझ भी आ गई होगी और आप इंशाल्लाह कैलकुलेट भी कर लेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेंगे, तो मुझे पक्की उम्मीद है आप पे। तो बच्चों बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, फेसबुक पे लगाइए, ताकि दूसरे दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। और अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरा ख्याल है लेक्चर देख लेने के बाद और चैप्टर 2 ख़त्म हो जाने के बाद हक बनता है कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तीसरा चैप्टर जब मैं अपलोड करूं तो उसकी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।